हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से 30,000 वैकेंसीज लेके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, जिसके अंदर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इंडियन पोस्ट के अंदर अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, जहाँ पर GDS की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसी के बारे में बात करने वाला हो। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक करके पूरा जानकारी देने वाला हो। इंडियन पोस्ट में अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो, इसके बारे में आपको एक एक जानकारी देने वाला हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज इस वीडियो को। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक, जहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाक भवन और न्यू दिल्ली की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से, जो कि पब्लिश हुआ है 31 जुलाई 2023 में, जहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट किया जा रहा है ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के ऊपर रिक्रूटमेंट की अपडेट पब्लिश हुआ है, जिसके लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इनके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसके बारे में। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 3 अगस्त 2023 से, जिसका लास्ट दिया गया है 23 अगस्त 2023 तक। आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एडिट और करेक्शन की जो विंडो ओपन होने जा रहा है, वो है 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 तक। तो ये था एप्लीकेशन। अभी आपको बताऊंगा सैलरी। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से 29,000, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 to 24,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अभी आपको एप्लीकेशन फ़ीस की बात बताऊंगा। अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन करने वाले की एज क्राइटेरिया 18 से 40 इयर्स तक मिनिमम एंड मैक्सिमम रखा गया है। मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 इयर्स तक आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलेगा। जो कैंडिडेट SC ST है, उनके लिए 5 ईयर, OBC 3 ईयर, इकोनॉमिकली वीकर और EWS के लिए नो रिलेक्शन, PWD के लिए 10, PWD के OBC के लिए 13, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स तक आपको एज रिलेक्शन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए, तो 10th पास करने के बाद आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज एंड साइकिलिंग में आपको नॉलेज अगर है, तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना हो, इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in पे जाके आप लोगों को एप्लीकेशन आपको भेजना होगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको अपलोड करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस ओनली ऑन मेरिट लिस्ट, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। सिंपल आपका जितने भी परसेंटेज मार्क्स मिला है, उसके ऊपर बेस करके एक मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आपको सिलेक्शन कर लिया जाएंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, आपका सिग्नेचर, सब कुछ लेकर आपको एप्लीकेशन करना होगा। ध्यान में रखिएगा 28 अगस्त 2023 इज़ द लास्ट डेट, उससे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।